नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर अन्नपूर्णा पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने धारदार हथियार भी बरामद किए हैं। आरोपी व्यवसाय प्रतिष्ठान पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। दरअसल अन्नपूर्णा पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में ही कुछ आरोपी संदिग्ध दिख रहे हैं और उनके पास हथियार भी हैं। सूचना की तस्दीक करने के बाद पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताया गया स्थान पर पहुंची, जहां 5 युवक संदिग्ध अवस्था में दिखे, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया है। जब इन युवकों की तलाशी ली गई तो इनके पास से धारदार हथियार भी मिले हैं। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि क्षेत्र में ही एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर इनका डकैती डालने की योजना थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक बड़ी घटना होने के पहले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। सर, अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बनाते हुए कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए, सर क्या है पूरा मामला? ये अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में ये परसों रात की बात है, लेट नाइट में खबर मिली थी कि अपराधी जो है कोई किसी पर्टिकुलर व्यवसाय के स्थान पे डकैती डालने के लिए योजना बना रहे हैं, और उसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करी। घेराबंदी करने के बाद जब पुलिस वहाँ पहुँची, लालबाग का जो एकांत इलाका है वहाँ पर ये लोग इकट्ठे थे, पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी पकड़ने में आए और उनके पास से हथियार भी मिले हैं। और उनके द्वारा जैसा बताया गया है, किसी व्यवसायिक संस्थान को टारगेट करके वो एक प्रॉपर्टी डिफेंस करने की फिराक में थे। पुलिस को सफलता मिल गई है अपराध होने के पहले आरोपियों को पकड़ लेने से, एक घटना को रोका गया है, उसमें कर्मचारियों की भूमिका। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।